हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज योर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक फॉर क्लास 11th। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड बोरॉन फैमिली। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट कार्बन फैमिली। द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली आर कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो ये सारे क्या हैं? कार्बन फैमिली के मेंबर हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कार्बन आपका जो होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसके नीचे ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसको किस तरीके से याद करते हैं हम लोग बच्चों? चरण सिंह जी टिन पर इस तरीके का कुछ न्यूमेनिक्स बना करके कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ऑल द मेम्बर्स ऑफ कार्बन फैमिली आर सॉलिड। हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। पी ब्लॉक का एक और ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, जिसे आप लोग 12th में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है बच्चों, हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये उसके मेंबर होते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं? गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। और ब्रोमीन क्या होता है बच्चों? वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और आयोडीन और एस्टाटीन क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो 17th ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, इकलौता ऐसा ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में उसके जो भी हैं मेंबर्स रहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कौन सी फैमिली कवर कर रहे हैं? 14th फैमिली, जिसका नाम है कार्बन फैमिली। 13th हम लोग ने कवर कर ली है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होते हैं बोरॉन के सारे मेंबर्स को हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में क्या है? चरण सिंह जी टिन पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। और टिन और लेड क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो हम लोग ये पढ़े थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो वो आप लोगों को याद होगा, अभी उसका कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मेटलॉइड के ऊपर क्या होता है? नॉन मेटल। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को समझा दिया है कि मेटलॉइड के ऊपर क्या होगा? नॉन मेटल। मेटलॉइड से नीचे क्या होते हैं? मेटल्स। आप जब 14th ग्रुप देखेंगे तो वो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा, चरण सिंह जी टिन पर, है ना। इस तरीके से न्यूमेरिक्स बनाते हैं और इस तरीके से होता है, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? 14th। 13 पे कौन था बच्चों? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और 15 पे कौन आएगा? नाइट्रोजन, कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। 16 पे कौन आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, प्लूटोनियम। 17 में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और 18 में कौन आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़िरॉन। ये सारे आप लोग पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल और कौन मेटलॉइड है। तो ये जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। इसका भी मैंने पूरा एक आप लोगों को ट्रिक बताया था, बालिका, सीता, गीता, शौर्य सब ट्यूशन आते हैं तो सीता से सिलिकॉन हो गया, गीता से जर्मेनियम हो गया। तो सीता, गीता जो है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड के ऊपर क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल होता है। और मेटलॉइड के नीचे क्या होता है? मेटल्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये सब चीज़ें हमने पीरियोडिक टेबल के जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, ये सब चीज़ें आपको समझा दी थी। अच्छा, हम लोग को बेसिकली क्या देखना है इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? वैसे तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को अपने एटमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। कार्बन फैमिली के ये जो मेंबर्स हैं उनका एटमिक जो रेडियस है वो कैसा होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसका ऑर्डर देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है किसको कम देनी है, किसको ज़्यादा देनी है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इसके आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हम निकाल सकें, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो आप समझते ही होंगे बच्चों। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को देखना है कि चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन, इट मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? जब कंबाइन होता है कोई भी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि H2O जो होता है इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसमें -2 आता है, पार्शियल।
और इस पे टोटल दोनों का मिला के प्लस का 2 आएगा, ये भी पार्शियल होगा, ठीक है ना। यानी कि इस पे पार्शियल माइनस 2 आता है, इस पे पार्शियल प्लस 2 आएगा। तो एक हाइड्रोजन को कितना मिला, पार्शियल प्लस 1 चार्ज। तो यही क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, माइनस 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, प्लस 1। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का नहीं है, एक हाइड्रोजन का एक है, यानी दो हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ प्लस 2 आ गया। एक हाइड्रोजन का कितना होगा, प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हम लोगों को 4 प्रॉपर्टीज़ देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम, ऐसे समझ लीजिए कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस किसकी, हम लोग के 14th ग्रुप की, जिसको हम लोग कार्बन फैमिली कह रहे हैं, उसके मेंबर्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हैं। तो एटॉमिक रेडियस किसका ऑर्डर क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस हम जानते हैं बच्चों, जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन किसमें, सेल नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब सेल इंक्रीज करता ना बच्चों, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सेल बढ़ता रहता है ना, ऑर्बिट जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसका साइज़ भी बढ़ता है। ये तो जनरल सी बात है, हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में जब देखते हैं नीचे जाते हैं तो साइज़ जनरली बढ़ता ही है। तो कार्बन से सिलिकॉन पे जाएंगे तो उसके नीचे होता है, फिर जर्मेनियम उसके नीचे होता है, टिन उसके नीचे होता है, लेड उसके नीचे होता है। तो नीचे जाने पर साइज़ बढ़ना चाहिए, तो कार्बन से बड़ा कौन होना चाहिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम, जर्मेनियम से बड़ा टिन होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया बच्चों, लेड आ गया। यही एक थोड़ा सा आप लोगों को डिविएशन या ध्यान में रखना है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये तो बढ़ रहा है यहाँ तक, और टिन और लेड में पलट गया, ठीक है ना। टिन पहले आना चाहिए था लेकिन लेड पहले आ गया, तो इसका क्या है रीज़न, देखिए लेड क्यों छोटा हो गया टिन से, जो कि लेड सबसे नीचे आता है ना। तो बच्चों जैसे जैसे नीचे मुड़ते हैं, नीचे जाते हैं, मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, तो लेड सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लेड सबसे लास्ट में आया, टिन से लास्ट में आया, लेकिन क्या देखते हैं बच्चों कि टिन बड़ा हो गया, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने अच्छे से समझा दिया था आपको पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो जो टिन है वो लेड से बड़ा साइज, मतलब रेडियस इसका क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, किस में, लेड में या टिन में बच्चों, लेड में लग जाता है ना बच्चों। लेड में देखिए क्या होता है, ऐसे समझिए, यहाँ कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, टिन होगा और लेड होगा। तो लेड आपका ऐसा हो गया कुछ, और टिन क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है बच्चों। हम जाते हैं नीचे तो साइज़ तो बढ़ता है, यहाँ बढ़ भी रहा है, लेकिन ये क्या है बच्चों, हमने देखा कि ये यहाँ पर टिन जहाँ आना चाहिए था वहाँ लेड आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस अपनी ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाता है। और इसके लिए कौन सा मतलब जो ऑर्बिटल है या कौन सा सबसेल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेड के केस में, लेंथेनाइड के केस में एफ सबसेल। एफ सबसेल का जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज, मतलब वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होता है, उसकी वजह से उसके पास क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो दिखाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग क्या होता, शील्डिंग इफेक्ट होता, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता और साइज बढ़ जाता, ठीक है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा, जिसकी वजह से लेड छोटा हो गया। अगर सारी बात नहीं समझ में आई तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे चरण सिंह जी तक आए हैं वो तो सही था, लेकिन टिन और लेड में बदल गया, ठीक है ना, पलट गया, लेड पहले आ गया, टिन बाद में आ गया, और उसका रीज़न पूछ ले तो बस इतना कह दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। इतना भी सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पूरा का पूरा देख लीजिए। अच्छा, इसमें जो लेड है उसमें कौन से एफ सबसेल का हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, मतलब कौन सा एफ सबसेल पार्टिसिपेट कर रहा है जिसकी वजह से डीप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो 4F इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आते हैं, इसकी वजह से 4F इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। जो भी हमारा वो लेक्चर देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, उसको ये सारी चीज़ें समझने आसानी से आ जाएंगी। चलिए अब सेकंड, हमें चार चीज़ें डिस्कस करनी थी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला हो गया एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना। साइज़ बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाना,
अब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम लगेगा न्यूक्लियस का, अब फोर्स कम लगेगा तो कम ही एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। वी नो दैट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, साइज जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। साइज जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हमारा साइज जिसका कम है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी जिसका साइज सबसे छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर सिलिकन की आती है ना, सिलिकन उससे थोड़ा सा बड़ा है कार्बन से इसलिए इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, कार्बन से कम है, कार्बन से आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी। सिलिकन से जर्मेनियम की कम होगी, जर्मेनियम से टिन की होनी चाहिए और टिन से लेड की कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी थोड़ा सा ऑर्डर डिविएट कर गया, लेड पहले आ गया और टिन बाद में आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये भी सेम वही रीज़न है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो लेड का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के करीब आ गया, जिसकी वजह से उसको निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है टिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा था, टिन का साइज ज़्यादा था, यहाँ पे साइज का ऑर्डर नहीं बात कर रहे हम, यहाँ पे टिन कम हो गया, किस चीज़ में आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही, ठीक है। दोनों का फ़र्क समझिए आप बच्चों, ठीक है। ये साइज जो का ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्रम घटते हुए है, ठीक है ना। चलिए बस टिन और लेड में आप लोगों को हमेशा नीचे के ही कुछ एलिमेंट्स में आप लोगों को थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फोर्थ क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। जो 14 ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2NP2 होगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन का हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अच्छा, कार्बन के बाद कौन आएगा, सिलिकन आएगा। सिलिकन का कितना आता है, 14 ना, तो 14 होगा इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें देखिए 2s2 2p लास्ट में आ रहा है 2p2, इसमें 3s2 3p2 आ रहा है। उसके बाद जर्मेनियम की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लिखेंगे, फिर बाद में आएगा 4s2 4p2, इस तरीके से आएगा। चरण सिंह जी, टिन क्या आप लिखेंगे, तो ऐसे ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले आएंगे, लास्ट में क्या आएगा, 5s2 और 5p2। यानी कि सब में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ क्या बदल रहा है, ये लास्ट वाला नंबर बदल रहा है, एस और पी में दो दो इलेक्ट्रॉन सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोलते हैं, NH2 NP2। यानी सारे मेंबर्स का N आप बस लिखिए, उनका N आप लिखिए, बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो कार्बन के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 2, और सिलिकन के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 3, और जर्मेनियम के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 4, और टिन के लिए कितनी होगी, 5, और लेड के लिए कितनी होगी, 6, ठीक है ना बच्चों। लास्ट वाला जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या कहलाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, इसको भी मैंने बेसिक्स में समझाया। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल NH2 NP2 किसका, ग्रुप 14th एलिमेंट के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP2। तो सेकंड ग्रुप से स्टार्ट होता है 14th ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में तो फर्स्ट वाले पीरियड में, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पीरियड में कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। सेकंड पीरियड में फिर आप जाएंगे तो लिथियम आएगा, फिर इधर जो है बेरिलियम आएगा, फिर बोरान, एल्युमिनियम, बोरान के बाद कौन आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, इस तरीके से आपका राइटवर्ड चलते हुए मिलता है हमको, ठीक है ना। तो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p2। तो हम बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस कर रहे हैं। और थर्ड पीरियड में कौन आता है, सिलिकन। आप अपने पीरियडिक टेबल को खोलिए, उसमें देखेंगे कि थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है, सिलिकन आ रहा है। सिलिकन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी चीज़ें हमने समझा दी है अभी, है ना, यहाँ पे समझा दी है पेपर पे, आप लोग देख करके इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लें, या तो पूरा लिख लीजिए और नहीं तो बस जनरल में आप N की वैल्यू बदलते जाइए और आपको रेस्पेक्टिव जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। चरण सिंह जी, टिन पर। तो हम देखते हैं कि कार्बन का +4 होता है वैलेंसी, है ना, या ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, देखिए बच्चों, कार्बन जो होता है कितने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे -4 भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन -4 में है, कब +4 में रहेगा बच्चों,
CO2, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है यानी दो ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा ना टोटल, माइनस का फोर आ जाएगा। अब माइनस फोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस फोर चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन पे कितना होगा, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छा एक कंपाउंड और मिलता है बच्चों हमको, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसमें आप लोग सोचिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हम जानते हैं सीधे कि ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है तो कार्बन पे प्लस टू होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की यहाँ प्लस टू है, यहाँ पे प्लस फोर है, यहाँ पे माइनस फोर है, तो कई तरह की वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कार्बन, लेकिन इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी। बहुत से एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो स्टेबल कौन सा होगा, इसमें से प्लस फोर वाला स्टेबल होगा, ठीक है ना। और सिलिकन का भी प्लस फोर स्टेबल होगा, जर्मीनियम का भी प्लस फोर स्टेबल होगा, टिन का भी प्लस फोर स्टेबल होगा, और लेड का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस टू स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लेड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसमें इनर्ट बेयर इफेक्ट लगने लगता है। इनर्ट बेयर इफेक्ट का मतलब होता है मतलब एस ऑर्बिटल्स, जो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, इनर्टनेस ऑफ एस जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेड का क्या हो जाता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू होता है ड्यू टू इनर्ट बेयर इफेक्ट। अच्छा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है, ये सारी चीज़ें ऑक्सीडेशन स्टेट इन समों की भी कई हो सकती है, प्लस फोर इसकी है, प्लस टू भी होती है, ये भी प्लस फोर प्लस टू दोनों से दिखाएगा, ये भी प्लस फोर प्लस टू दिखाएगा, सब प्लस फोर, ये भी प्लस फोर प्लस टू दिखाएगा, सबकी प्लस फोर स्टेबल होगी, इसकी प्लस टू स्टेबल होगी, बस यही ध्यान में रखना है आपको, इसमें कुछ रटने वाली और याद करने वाली बात नहीं है। ये सब जब मैं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो ये सब आप लोगों को थोड़ा फील आ जाएगा, समझ जाएंगे आप तुरंत, और वैसे पहले भी कई बच्चों को आता होगा, बहुत ही आसान चीज़ है। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हो गई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, कार्बन फैमिली की हम लोग अगर बात कर रहे हैं, तो किसकी अभी बात कर रहे हैं, स्टार्ट क्या किए हैं, कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन लेड, ये है ना, वही कार्बन फैमिली है। हाँ तो चलिए बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसके बाद किससे रिएक्शन, कार्बन फैमिली से, कार्बन फैमिली में कौन कौन है, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन लेड, इन सबों की रिएक्शन हम किससे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन से, रिएक्शन विद हैलोजन पढ़ लेंगे सबकी, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, ठीक है ना, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगी, ये हम लोग को देखना है। अब हम क्या जानते हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सीखा है कि जो कार्बन है वो प्लस टू भी शो करता है और प्लस फोर भी शो करता है, सिलिकॉन भी प्लस टू प्लस फोर दोनों शो करते हैं, यानी सारे के सारे कंपाउंड प्लस टू और प्लस फोर दोनों शो करते हैं। तो प्लस टू में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन फैमिली जो है वो क्या कंपाउंड देंगे, और प्लस फोर में कार्बन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, वो हम लोग इससे समझ लेंगे। तो कार्बन जो होता है वो अगर प्लस टू में है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO देगा जो कि न्यूट्रल होता है, और जो प्लस फोर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का कार्बन होगा वो CO2 देगा। बेसिकली होता क्या है बच्चों, कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, लेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, एक्सेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन दे दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ी सी चीज़ और बताना चाहेंगे, ये होता कैसे है, देखिए कार्बन के पास इसकी कितनी होती है एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, ये होता है ना 6। अब देखिए 1s तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, यहाँ पे पेयरिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की है, 2s भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है। अब 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में कितने होते हैं बच्चों, s में कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल, p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है ना, d में कितने होते हैं 5, F में कितने होते हैं 7। अब देखिए 2p2 है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई भी अगर अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा तो एक इसके साथ एक इसके साथ डबल बाउंड्री बनाएगा ना, तो CO में इस तरीके का कुछ केस बनेगा और इसी को हम लोग CO बोलते हैं। इसका मतलब इसके पास अब अगर ये पेयरिंग हो गई, एक ऑक्सीजन लग गया तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ भी फुल है और यहाँ भी फुल है। तो होता क्या है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ देखिए खाली है ना ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाता है,
है ना, यहाँ पे एनर्जी लेवल लगभग सेम है, ठीक है ना। सेकंड सेल की ही बात है ना, तो एक्साइटेशन होता है, तो एक्साइट होकर के यहाँ चला जाएगा। यानी कि अब केस क्या होगा कि ये तो 2s था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा, एक बचा। अब 2p में ऑलरेडी कितने थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे ऐसे था दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर के यहाँ चला आया। ये CO भूल जाइए, अब मैं एक्साइटेशन का केस समझा रहा हूँ, CO2 समझाऊँगा कैसे बनता है, ठीक है। तो यही वैलेंस सेल था, इसी में से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे कोई खाली वैकेंट मतलब कुछ भी जगह नहीं थी कि कोई आए और सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ले, है ना। इसको हम लोग हुंस रूल जब समझेंगे, सारी अबव प्रिंसिपल हुंस रूल सब समझ लेंगे, तो ये वाला सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग बस जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, है ना। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय वैलेंस सेल ये है, तो सेकंड वाला सेल तो फुली फिल्ड है, सेकंड वाला सबसेल जो है, जो एस सबसेल है वो फुली फिल्ड है। सेकंड का पी वाला जो है उसमें दो में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दो बॉन्ड ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके बना लेगा, एक ऑर्बिटल भी खाली है। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसने एक्साइट करा लिया, और क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहाँ से ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बैलेंस सेल करते हैं पार्टिसिपेट, एक इलेक्ट्रॉन जाते ही यहाँ पे 2s में वन इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p में एक दो तीन, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं शेयरिंग के लिए, दो। अब कहाँ कहाँ शेयर कर लेगा, एक यहाँ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, और एक इसके साथ कर लिया। तो आप ये समझिए क्या बन गया, CO2। अब इस तरीके से नहीं दिखाया जाता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया बस, ठीक है ना। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है, CO2 कैसे बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है कार्बन में तब CO2 बन जाता है, नहीं तो सिंपली बनना क्या चाहिए, CO बनना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब CO बन रहा था तो +2 था, हम देख रहे हैं कि दो ही इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यानी ऑक्सीजन पे -2 तो इस पे +2। लेकिन CO2 के केस में, यहाँ CO2 का केस आ गया, अब CO2 के केस में क्या बच्चों, ये कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ना ऑक्सीजन, तो इस पे कार्बन पे क्या आएगा +1, दूसरे वाले की वजह से +2 आ जाएगा, तीसरे वजह से +3, और चार दो ऑक्सीजन मिल करके चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपनी तरफ खींचेंगे ना शेयरिंग के दौरान, तो इसलिए +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। एक्साइटेशन का केस आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, +2 में कार्बन क्या देता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO, और +4 में CO2। अभी ये सब मत याद रखिए, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको, एक बार में पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। जिसने भी एम्पोटरिक वाला केस सुनो, रेड जींस आलिया क्यों बेईमानी, इस तरीके से जब हम लोग पिछले लेक्चर्स देख रहे थे तो उसमें समझाया था मैंने, कहीं ना कहीं दो बार आपको समझाया है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं या एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 ही होते हैं। सुनो रेड जींस आलिया क्यों बेईमानी करती हो, तो सुनो से टिन, रेड से लेड हो गया आपका, जींस से जिंक हो गया, आलिया से एल्युमिनियम हो गया, क्यों से कॉपर हो गया, और बेईमानी से बेरिलियम हो गया। यही 6 एलिमेंट हैं जो कि आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए, कार्बन का केस समझिए, कौन सा कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, सिलिकन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SiO भी बनाएगा और SiO2 भी बनाएगा। स्टेबल इन दोनों में देखिए CO नहीं होगा, CO2 होगा, इसमें स्टेबल कौन होगा, SiO2 होगा, इसमें कौन होगा, GeO2 होगा, इसमें कौन होगा, SnO2 होगा, लेकिन इसमें कौन होगा बच्चों, PbO हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों, लेड के केस में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल होता है, हम लोग देखें ना, तो +2 किस में आएगा, जब -2 के साथ जुड़ा रहेगा, तो लेड ऑक्साइड स्टेबल होता है, बाकी सबका क्या है, डाईऑक्साइड स्टेबल होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट लिखे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कॉमन तरह की चीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। +2 वाले के साथ रिएक्ट करके MO टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं, और +4 वाले के साथ रिएक्ट करके MO2 टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसमें एसिड बेस और एसिडिक करेक्टर किसका है, बेसिक किसका है, और किसका एम्फोटेरिक है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जो एलिमेंट एम्फोटेरिक होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी देते हैं, जैसे हमने क्या बोला था, सुनो रेड जींस आलिया क्यों बेईमानी, तो सुनो से तीन हो गया SN, रेड से लेड हो गया, तो ये दोनों तो एम्फोटेरिक हमको ऑक्साइड देंगे, जो SNO है, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, तो इनके डाईऑक्साइड भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये क्या है बच्चों, एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक के ऊपर क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा, देखिए ये भी एसिडिक होगा,
एम्फोटेरिक के नीचे बेसिक होता है, एम्फोटेरिक के ऊपर क्या होगा एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, सब एसिडिक दिख रहा है, सारा का सारा एसिडिक दिख रहा है ना कॉमन में। बस चार तो आपने सुनो रेड जीन सालिया से कवर कर लिया। अब इसके ऊपर जो है सब एसिड एसिड सोचिए, तो एक दो तीन चार, चार एसिड मिले। अब SiO क्या है बच्चों, इसका अभी नोन नहीं है कि SiO एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, वाटर में डालने के बाद ये सॉल्युबल नहीं होता है कि वाटर से रिएक्ट करके वो H+ दे सके, है ना। मैंने केस समझाया भी था कि वाटर से जब हाइड्रोलाइज होकर के कैसे H+ निकलता है, ये भी समझाया था पिछले केस में जब बोरॉन फैमिली पढ़ा रहे थे, ठीक है, आगे देखेंगे अभी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो याद रखना आपको न्यूट्रल है। तो देखिए चार तो ऐसे ही याद हो गए, बाकी ये सब भी समझ में आ गया, बाकी इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि SiO जो होता है वो अभी ये नोन नहीं है कि एसिडिक है कि बेसिक है, इसका कोई तरीका आ जाएगा तो देखा जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ये तो जनरल रूल है, जैसे जैसे आप जाएंगे डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो रेस्पेक्टिव इनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है बच्चों कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, हम देखते हैं पहले मेटल आता है फिर मेटलाइड आता है फिर कहीं सॉरी पहले नॉन मेटल आता है फिर मेटलाइड आता है फिर क्या आता है मेटल आता है। तो हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये बात समझ में आई। यानी ऊपर जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड आप एक तरीके से न्यूट्रल बस याद रख लीजिएगा। इधर देखिए ऊपर एसिडिक कैरेक्टर, अगर इन दोनों से कंपैरिजन कर लेगा कि एसिडिक कैरेक्टर किसका, तो उसके लिए हम लोग ये सब सोचेंगे कि नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ऊपर जाने पे क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो किसको होना चाहिए इन दोनों में से। बात समझ में आ रही है बच्चों, अभी मत आप ये चीज़ कंपेयर करिए, अभी सोचिए बस, आगे मैं सब कुछ करा दूँगा। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, अच्छा ये हमने लिख दिया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके किसके बनते हैं, सुनो रेड जीन्स आर्या क्यों बेमानी, जिसने नहीं नोट किया था नोट कर ले, ठीक है। अच्छा SiO इज़ वाटर इनसॉल्युबल, तो जो सिलिकॉन ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट इज़ एसिडिक और बेस, तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है बच्चों। अबव एम्फोटेरिक एसिडिक होता है, बिलो एम्फोटेरिक बेसिक होता है, ये तो हमने अभी बताया कि एम्फोटेरिक के ऊपर वाले सारे क्या होंगे एसिडिक होंगे ज़्यादातर, मतलब जनरल वे में। अब यहाँ दो अलग दिख रहा है तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, और एम्फोटेरिक के नीचे क्या होता है बेसिक होता है, ये हर जगह काम आएगा। ये जो मैं रूल्स ये छोटे छोटे बता रहा हूँ ना बच्चों, ये धीरे धीरे करके आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप हर चीज़ों को आसानी से समझने में कैपेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो SiO जो है वाटर इनसॉल्युबल है, वी कैन नॉट डिटरमाइन वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। चलिए अब रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद हैलोजन देख लेते हैं। अब हमने क्या देख लिया है, रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन फैमिली क्या क्या प्रोडक्ट देती है, मतलब कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड सबको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और क्या क्या मिला वो हमने देख लिया है ऊपर। अच्छा रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद हैलोजन, अब हैलोजन से रिएक्ट करके दिखाएंगे, कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या CCl4, अगर कार्बन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा लेगा तो क्या बनाएगा CBr4, अगर कार्बन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा Cl4, इस तरीके से बनाता है, ठीक है ना। तो सारे हैलोजन से ये रिएक्ट करेगा और इस तरीके का कुछ कंपाउंड देगा। सिलिकॉन भी सबसे रिएक्ट लगभग करेगा और क्या देगा, अगर मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया है हैलोजन में, सिर्फ क्लोरीन, हैलोजन में कौन कौन आता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब आते हैं, लेकिन क्लोरीन का हम लोग सूटेबल पड़ता है, इसी को ज़्यादातर केस में हम लोग लिखते हैं। तो सिलिकॉन जो है इसका +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में SiCl4 बनाएगा, यहाँ एक्स लिख देते तो भी काम चल जाता है मेरा, एक्स का मतलब हैलोजन हो जाता है, हैलोजन में कोई भी आ सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, लेकिन कुछ जगह पे जनरल एक्सेप्शन आपको मिलेंगे अभी मैं बताऊंगा वैसा क्यों है। चलिए जर्मेनियम में GeCl4, तो टीन में SnCl4, लेड में PbCl4, इस तरीके से बनता है बच्चों। अच्छा +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा या हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो GeCl2, इसकी +2 रहेगी तो क्लोरीन पे -1 होता है तो 2 क्लोरीन चाहिए, SN पे 2+ होगा तो इस पे 2 क्लोरीन चाहिए, लेड पे 2+ होगा तो इस पे 2 क्लोरीन चाहिए। अब इन सबों में सब स्टेबल, सारे स्टेबल हैं, अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन पूछ ले लेड क्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड और लेड डाइक्लोराइड में, तो लेड डाइक्लोराइड का स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमने क्या बोल दिया, सारे के सारे कार्बन के फैमिली के मेंबर जो हैं सारे के सारे हैलोजन के फैमिली के मेंबर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कहीं के पे एक्सेप्शन है, वो मैंने कहा था बताऊँगा मैं क्यों होता है ऐसा। देखिए लेड जो है PbI4 लेड आयोडाइड जो है वो नहीं बनता है, बनता ही नहीं,
ठीक है ना बच्चों, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब क्यों होता है ऐसा, इसको जानने का उतना ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि PBI4 क्यों स्टेबल नहीं होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, नहीं समझ में आएगा तो स्किप कर दीजिएगा। ये सब आप लोगों के मतलब नीट रूट के लेवल पे या IIT के लेवल पे इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेड आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज टू मेक लेड आयोडाइड वी मस्ट रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेड। अगर लेड आयोडाइड बनाना है तो लेड में से 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना, शेयरिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। ये अच्छा, इट नीड्स एनर्जी, ओके, क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए ना, तो लेड में से आयनाइजेशन एनर्जी कौन देगा? दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई 4 लेड आयोडाइड बॉन्ड। जो लेड आयोडाइड का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना क्या कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा, है ना। लेकिन इसको इस तरीके से समझना बच्चों बहुत उचित नहीं है, है ना। इसके लिए हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, और हर चीज़ समझ लेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन के समय लैटिस एनर्जी क्या होती है ना, इस तरीके जो भी चीज़ें हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसको आप स्किप कर दीजिए बच्चों, मैं अभी राय नहीं दूंगा कि इसको आप पढ़ के कन्फ्यूज होइए, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। समझा दे रहा हूँ मैं, वैसे जो लेड आयोडाइड फॉर्मेशन होने के लिए पहले लेड इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, लेड किस फॉर्म में रहेगा बच्चों? लेड इस फॉर्म में रहेगा PB, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से निकल करके शेयरिंग होनी पड़ेगी, शेयरिंग करने के लिए आयोडीन क्या करे, इसको मजबूर कर देगी, जब ये बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आपको सोच लीजिए। तो ये उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए तो बट 4 लेड आयोडाइड बॉन्ड्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे 4 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेड आयोडाइड ऐसे बनता है। बट लेड आयोडाइड बॉन्ड्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी विच कैन रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड फॉर्म PB4+। मतलब PB4+ नहीं बना पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो लेड है। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हो पा रही कि वो इलेक्ट्रॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। ऑल द हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली आर कोवेलेंट बट SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक। सारे के सारे क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। क्या? हैलाइड्स। जैसे ऑल द हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, जैसे कार्बन में कौन कौन होगा, सिलिकन का क्लोराइड ले लीजिए, सिलिकन का ब्रोमाइड ले लीजिए, या सिलिकन का आयोडाइड ले लीजिए, या कार्बन का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी ले लीजिए, जर्मेनियम का क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी, मतलब हैलाइड्स का मतलब कोई हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो सारे के सारे हैलाइड्स जो होते हैं कार्बन फैमिली के, वो क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, है ना। जैसे CCl4 है ना, CBr4, ये सब क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। बट SN3 फ्लोराइड एंड लेड फ्लोराइड आर आयनिक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल ये बताता है कि अगर स्मॉलर कटायन है और लार्जर अनायन है तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में पता करने के लिए होता है। वो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट देता है हमको फजांस रूल, क्वांटिटेटिव नहीं। तो सारे के सारे हैलाइड जो होते हैं कार्बन फैमिली के कोवेलेंट होते हैं, और जो 3 फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड है वो आयनिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोवेलेंट होने के लिए छोटा कैटायन और बड़ा एनायन चाहिए, तो आयनिक होने के लिए क्या चाहिए? बड़ा कैटायन और छोटा एनायन। तो देखिए, 3 सबसे बड़ा है, है ना, लेड से छोटा है, लेकिन 3 जो है बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है ना। तो यहाँ क्या हो गया, लार्जर कैटायन हो गया और स्मॉलर एनायन हो गया। इस केस में तो बच्चों आयनिक बॉन्ड बनेगा, मतलब ज़्यादा कैरेक्टर होगा। दुनिया का कोई भी कंपाउंड होगा, ना ही 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये कोवेलेंट नहीं है, कोवेलेंट भी है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा है। ओके बच्चों, चलिए वही फैजान रूल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। अगर स्मॉल कैटायन होगा, लार्ज एनायन होगा तो कोवेलेंट बनेगा। अगर
स्मॉल अनायन होगा और लार्ज कटायन होगा तो क्या बनेगा, आयनिक। यहाँ पे लार्ज कटायन और स्मॉल अनायन है तो क्या बना बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है बच्चों, मैं अब बहुत लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब 10 मिनट में ये कवर नहीं हो पाएगा तो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है फिर से मैं आगे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप लोगों का कार्बन फैमिली का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो अब बहुत पेशेंस से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर को जो है ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए बच्चों, धन्यवाद।